तो कहानी गंभीर होने वाली है। पहले कोई एरियर्स ही नहीं थे, केस टू में एरियर्स आए बट कोई फोरफीचर नहीं था। नेक्स्ट में क्या हुआ, फोरफीचर भी आ गया। ठीक है ना, ध्यान से देखना। सेम स्टोरी एज अबव, मतलब रुशील ने फाइनल कॉल नहीं दी और ये शेयर्स फोरफीट हो गए। ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार पॉइंट है, शेयर्स फोरफीट हो गए बट रीइशू के बारे में तो कुछ नहीं मेंशन। रीइशू नहीं हुए, रीइशू नहीं हुए। अगर ये शेयर्स रीइशू ही नहीं हुए तो क्या ये शेयर्स किसी के पास भी हैं? कंपनी ने शेयर्स फोरफीट तो कर लिए, रीइशू नहीं हुए, तो क्या ये शेयर्स पब्लिक के पास हैं? नो। तो ध्यान से देखना क्या होगा प्रेजेंटेशन में। टोटल शेयर्स 3,75,000 है पब्लिक के पास बिफोर फोरफीचर। तो ध्यान से देखना, ऑथराइज्ड और इशू की कहानी में कोई चेंज नहीं है, तो केस थ्री में भी क्या चलेगा हमारा, कॉपी पेस्ट। ऑथराइज्ड और इशू डन। सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब में पहले क्या आएगा, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। 3,70,000 शेयर्स तो क्लीन है, 3,70,000 शेयर्स क्लीन है। तो 3,70,000 शेयर्स ऑफ ₹10। ध्यान से देखना बेटा, मजा आने वाला है। बाकी जो 5,000 शेयर्स हैं क्या वो किसी के पास भी हैं? नहीं, तो वो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप तो है ही नहीं, बिकॉज दे आर नॉट सब्सक्राइब्ड एनी मोर। दीज शेयर्स हैव बीन फोरफीटेड, दीज शेयर्स हैव बीन फोरफीटेड। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, ये है निल, कुछ भी नहीं आएगा इस कैटेगरी में। जो शेयर्स फोरफीट हो गए बट रीइशू नहीं हुए उनका अमाउंट कहां जाता है, फोरफीटेड शेयर में, शेयर फोरफीचर कहां जाएगा, सेपरेट अकाउंट क्रिएट होता है। सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर ही लास्ट में ऐड होता है शेयर फोरफीचर। अब आपके अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, 5,000 शेयर थे, फोरफीचर में कौन सा अमाउंट आता है, जो पैसा मिल गया या जो नहीं मिला? जल्दी बोलो, फिर से बोलो। जो मिल गए 5,000 शेयर्स थे, ₹10 का एक शेयर था, ₹2 नहीं मिले, तो बेटा सनवीर कितने मिल गए होंगे? ₹10 का शेयर है, ₹2 नहीं मिले, तो बताओ बेटा कितने पैसे मिले? ₹8 पर शेयर। तो 5,000 शेयर्स पे कितने मिल गए होंगे, 40,000। तो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट हमें कुछ अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली निकल सकता है। इसके लिए आपको कोई वर्किंग नोट भी दिखाने की जरूरत नहीं है, वो अज्यूम करने की बेटा, इतनी बातें तो आपको आती होंगी कि फॉरफीचर में डायरेक्टली क्या आ रहा है, जो पैसे मिल गए। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में कुछ भी नहीं आया, क्यों? टोटल 375 शेयर्स थे, 375 में से 370 तो क्लीन थे, पूरे पैसे मांगे पूरे पैसे मिले। 5,000 जो प्रॉब्लमेटिक थे, जिनमें एरियर्स थे, वो शेयर्स तो फोरफीट हो गए, वो शेयर्स तो किसी के पास है ही नहीं। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप इज निल। जो शेयर्स फोरफीट हो गए क्योंकि अभी रीइशू नहीं हुए, उनका पैसा कहां पड़ा हुआ है, शेयर फोरफीचर में। तो टोटल शेयर कैपिटल कितनी हो गई आपकी, 37,40,000। कोई भी डाउट अभी तक? नो सर। ओके, ध्यान से देखना लास्ट केस क्या होगा। शेयर्स अगर रीइशू हो जाएंगे तो क्या कैलकुलेशन में चेंज आ जाएगा? सेम स्टोरी टिल फोरफीचर, कह रहे वो सारा तो हुआ, एरियर्स हुए रुशील के, शेयर्स फोरफीट हुए, उसके आगे ये शेयर्स रीइशू हो गए टू सोहेला। अब ये वाला कैरेक्टर भी चेंज करेंगे हम, सोहेला हमारे बीच नहीं रही, ग्रेजुएट होने वाली है वो। चलो कौन आएगा पिक्चर में, अब हर्षिता को ले आते हैं, फीमेल कैरेक्टर चाहिए हमें।
तो हर्षिता सामने बैठी है, शेयर्स वर रीइश्यूड टू हर्षिता एट रुपीज 8 पर शेयर फुली पेड अप। तो बताओ बेटा हर्षिता कितने के शेयर कितने में रीइश्यू हुए? 10 के शेयर्स 8 में रीइश्यू हुए। तो रीइश्यू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होती है हर्षिता? 10 रुपीज, 8 रुपीज या 2 रुपीज? 10 रुपीज फेस वैल्यू टोटल से। तो कंपनी की लायबिलिटी तो 10 रुपीज है जो आपने शेयर्स रीइश्यू कर दिए। अगर शेयर्स रीइश्यू कर दिए तो आपने फोरफीट करे थे 8000, 2 रुपी पर शेयर आपने डिस्काउंट दे दिया। नहीं, 8000 क्या मतलब, 5 × 8 40000 आपने फोरफीट करे थे, 40 में से आपने डिस्काउंट दे दिया 5000 × 2 रुपीज पर शेयर, तो 5 × 2 = 10000 का आपने डिस्काउंट दे दिया। 40000 फोरफीट हुए थे, 10000 का डिस्काउंट दे दिया, 30000 का प्रॉफिट हुआ, वो तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा अगर शेयर्स रीइश्यू हो चुके हैं। चलो ठीक, आपकी भी याददाश्त ताजा हो जाएगी और कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। शेयर्स जब फोरफीट हुए तो जर्नल एंट्री क्या थी? हमें जर्नल एंट्री नहीं मांगी यहाँ पे, बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन मांगी है। मैं कह रहा हूं कि अगर करते तो क्या करते फोरफीचर की एंट्री, जल्दी से बताओ। रुशील आपके शेयर्स फोरफीट हुए हैं बेटा, आप बताओ एंट्री फॉर फोरफीचर जल्दी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फोरफीचर। 5000 शेयर्स है तो 5000 × 10 50, बताओ 10000 रुपए नहीं दिए थे उसके लिए बेचारे के शेयर्स फोरफीट कर दिए, बड़े ही ना इंसाफी है। अगर शेयर्स रीइश्यू ना हुए होते तो फोरफीचर में पैसा बड़ा था, लायबिलिटी थी, बैलेंस शीट में हम दिखाते, बट अभी शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं, आपको हुए बेटा रीइश्यू। हर्षिता आप बताओ रीइश्यू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फोरफीचर। क्यों डेबिट हो रहा है? 10 रुपीज के शेयर 8 रुपीज में रीइश्यू हुए, डिस्काउंट दिया, टू शेयर कैपिटल, सारे के सारे शेयर्स ही रीइश्यू हो गए। तो 50000 के शेयर्स 8 रुपीज में 40000 में रीइश्यू हो गए, कितना डिस्काउंट दिया? 10000। सारे शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं, पैसे फोरफीट हुए थे 40000, आपने डिस्काउंट दिया 10000, तो कैपिटल रिजर्व में प्रॉफिट कितना हुआ हमारा? 30000। क्या करेंगे उसका? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। ये इसमें से कुछ भी उन्होंने नहीं मांगा था, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सब बहुत बेसिक है, इतना तो फॉरफीचर रीइश्यू हैंडल कर ही सकते हैं आप सबके सब। यस और नो? ओके, पॉइंट, जो पैसा फोरफीट हुआ था उसमें से कुछ डिस्काउंट दे दिया, बाकी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। तो अगर शेयर्स रीइश्यू हो चुके हैं तो क्या उन शेयर्स का कोई पैसा शेयर फोरफीचर में पड़ा होगा? सनवीर नहीं, या तो आपने डिस्काउंट दे दिया होगा और डिस्काउंट के बाद भी कुछ बच गया तो वो आपका प्रॉफिट है, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया होगा, फोरफीचर में कुछ नहीं हो सकता अगर वो शेयर्स रीइश्यू हो गए हैं तो। और जब शेयर्स रीइश्यू हुए तो शेयर्स वापस पब्लिक के पास चले गए, शेयर्स वापस पब्लिक के पास चले गए। ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट, 10 रुपए का शेयर आपने 8 रुपीज में रीइश्यू करा, बट आपकी लायबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर क्या है? 10 रुपी पर शेयर या 8 रुपी पर शेयर आपने एंट्री पास करी? आपने अपनी लायबिलिटी 10 रुपी पर शेयर मानी या 8 रुपी पर शेयर? बोलो, 10 रुपी पर शेयर। शेयर्स वर रीइश्यूड एट 8 पर शेयर, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। कह रहे मान लिया जाएगा कि आपने पूरे पैसे दे दिए, आपसे हम आगे और पैसे नहीं मांगेंगे। तो अब जब कंपनी ये शेयर्स दिखाएगी, फोरफीट हुए थे,
रीइश्यू हो गए एट द टाइम ऑफ प्रेपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, तो ये शेयर्स तो वापस पब्लिक के पास आ चुके हैं। क्वेश्चन है प्रियदर्शन आपसे कि ये सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में जाएंगे या सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में या तो आपने पूरे पैसे मांगे नहीं या आपको पूरे पैसे मिले नहीं, मतलब कुछ आगे जाके मिलना है, तो ये शेयर्स तो रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप है। क्या आगे जाके हमें इसमें कुछ पैसा मिलना है? हमारी लायबिलिटी 10 रुपए के हिसाब से दिखाई जाएगी या 8 रुपए के हिसाब से? 10। तो अगर 10 आप अपनी पूरी लायबिलिटी दिखा रहे हो तो किस कैटेगरी में आएगा वो वीर? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। हैरान हो जाओगे देख के कि केस 4 की जो बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन है वो सबसे आसान है। क्यों? 375 टोटल शेयर्स थे, 370 क्लीन थे पहले से ही, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। जो 5000 शेयर्स फोरफीट हुए थे वो तो रीइश्यू हो गए, क्योंकि वो शेयर्स फोरफीट हो चुके थे तो एरियर्स में कुछ नहीं है, क्योंकि वो फोरफीट होने के बाद रीइश्यू हो चुके हैं तो फोरफीचर में भी कुछ नहीं है, और क्योंकि वो शेयर्स रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप है तो वो भी किस कैटेगरी में चले जाएंगे? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। केस 4 है, ऑथराइज्ड एंड इशूड तो सेम है, कॉपी पेस्ट। सब्सक्राइब कैपिटल में क्या होगा, ध्यान से देखना, सब्सक्राइब कैपिटल में क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। कितने? 375,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, 37,50,000। तो सर ये जो इतनी कहानियां हुई वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, तो आपको ये समझ आना चाहिए क्वेश्चन रीड करके कि क्या हुआ, कॉल्स इन एरियर्स में कुछ आएगा कि नहीं आएगा, फोर फीचर में कुछ आएगा कि नहीं आएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में क्या है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में क्या है। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन लंबा होगा तो बैलेंस शीट में बहुत सारे बैलेंसेस आएंगे, बैलेंस शीट शोज द बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो अगर फोर फीचर अकाउंट क्लोज हो चुका है उसका कोई बैलेंस नहीं है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्लोज हो चुका है उसका कोई बैलेंस नहीं है, शेयर कैपिटल फुल्ली क्रेडिटेड है तो वो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएगा। आराम से देखेंगे, इजी है, इजी रहने देंगे।